सुप्रभात बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको पाठ एक मछुआरा पढ़वाई थी, जो कि एक कविता है। तो आज उसमें हमने कुछ शब्द पढ़े थे जो हम शायद पहली बार पढ़ रहे थे। आज हम कुछ शब्द और उनके अर्थ सीखेंगे जो इस कविता में आए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है मछुआरा। मैंने पहले भी बताया था, मछुआरा का अर्थ होता है मछली पकड़ने वाला। मछुआरा, मछली पकड़ने वाला। नंबर दो, सागर। सागर का अर्थ होता है समुद्र। सागर, समुद्र। नंबर तीन लिखा हुआ है तीरे। तीरे मतलब किनारा। सागर तीरे वो जाता है, मतलब सागर के किनारे जाता है, तो तीरे किनारा। नंबर चार, धरे। धरे मतलब रखना। धरे सिर पर, हमने ये लाइन पढ़ी थी, कौन जाती है सिर पर रखकर टोकरी? मछेरिन। तो धरे मतलब रखना। एंड नंबर पांच, मछेरिन। मछेरिन बोलते हैं मछुआरे की वाइफ को। मछली बेचने वाली, जब हम लिंग परिवर्तन करते हैं तो मछुआरा का लिंग परिवर्तन कन्वर्ट करने पर, उसका जब हम जेंडर चेंज करते हैं, तो वो हो जाता है मछुआरिन, जिसे हम मछेरिन भी बोलते हैं। और मछेरिन का मतलब होता है मछली बेचने वाली। आई गेस आप सबको शब्द क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। ऑल्सो आई विल अटैच अ PDF फाइल विद दिस। अब इसी के साथ साथ हम करते हैं इस पाठ एक के मौखिक प्रश्न उत्तर। सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसका अर्थ हमें एक ही शब्द में लिखना होता है। पहला प्रश्न मैंने लिखा है, कविता में किस जीव की बात की जा रही है? जीव मतलब लिविंग, कौन सी वस्तु की, कौन सी लिविंग चीज की बात हो रही है? तो हम किस जानवर की बात कर रहे हैं, किस जीव की बात कर रहे हैं? उत्तर है मछली की। उत्तर है मछली की। प्रश्न दो, मछेरिन ने टोकरी कहाँ रखी है? मछेरिन ने टोकरी कहाँ रखी है? उत्तर क्या है इसका? सिर पर। प्रश्न तीन, मछुआरा कब उठता है? सबसे पहली पंक्ति थी कविता की, बड़े सवेरे उठ मछुआरा, यानी मछुआरा कब उठता है? बड़े सवेरे, जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया था कि थोड़ी जल्दी उठना। जब हम सुबह के टाइम में जल्दी उठते हैं तो उसे हम बोलते हैं बड़े सवेरे। तो आज हमने इस कक्षा में क्या सीखा? पाठ एक शब्द और अर्थ उनके, और साथ ही पाठ एक के मौखिक प्रश्न उत्तर। अब आप सब अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे लिखेंगे और फिर इसे याद भी करेंगे।